हेलो फ्रेंड, फिर से नोटिफिकेशन आया है। आज का नोटिफिकेशन ईस्टर्न रेलवे का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ईस्टर्न रेलवे। वेलकम टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ईस्टर्न रेलवे। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे www.indianrailways.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो सारे यहाँ पे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट में आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको शो होगी। और यहाँ पे रेलवे का एक जो कैसे अप्लाई करना होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, आपको जस्ट यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट का सेल, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का भी नोटिफिकेशन है, आप वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे होगी, सारे डिटेल्स यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी हम डाउनलोड ऑप्शन हम दे चुका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे 56 CR Avenue कलकत्ता 7000012। तो नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2020 to 2021। यहाँ पे जो नोटिस नंबर यहाँ पे दिया गया सारे, और यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे दिया गया, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन और वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट अक्टूबर 2021। और यहाँ पे ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 अक्टूबर 2021 और 10 AM से आपको सुबह 10 बजे से यहाँ 10 से यहाँ पे 10 AM से आपको स्टार्ट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन। और यहाँ पे क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 नवंबर 2021 6 PM तक। और यहाँ पे पोर्टेबल डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ शेड्यूल कैंडिडेट यहाँ पे 18 नवंबर 2021। तो यहाँ पे जो अप्रेंटिस का जो एक्ट 1961 का, वो सारी यहाँ पे दिया गया, सारी आप नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेड वाइज और यूनिट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज बैकअप ऑफ स्लॉट यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हावड़ा डिवीजन है के लिए यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे पीटर वेल्डर MV एंड मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल MV कारपेंटर प्रिंटर लाइन मैन फायरमैन एंड AC मैच मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन मैशनिस्ट यहाँ पे टूल मैन यहाँ पे आपको टोटल कैटेगरी वाइज और यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश किया। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी दिया गया सारे 600 हावड़ा डिवीजन के लिए 659 और सियालदह डिवीजन के लिए यहाँ पे फीटर इलेक्ट्रीशियन वायरमैन यहाँ पे लाइन मैन वेल्डर फीटर यहाँ पे सारे यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी 1123। और आसनसोल डिवीजन के लिए यहाँ पे दिया गया सारे यहाँ पे टोटल यहाँ पे 167। और मालदा डिवीजन के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 43। और यहाँ पे कंचनपारा वर्कशॉप के लिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी 190। यहाँ पे लीलुआ वर्कशॉप के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 85। और यहाँ पे जमालपुर वर्कशॉप के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 678। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया गया सारी इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह सारी यहाँ पे। और यहाँ पे जो PWBD मतलब पर्सन विथ ब्रांच मार्क डिसेबिलिटी यहाँ पे दिया गया, EWESM के एक सर्विस मैन यहाँ पे, और UR मतलब अनरिजर्व एंड OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, NCL मतलब नॉन क्रीमी क्रीमी लेयर, और यहाँ पे SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइज, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहाँ पे। और एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे दिया गया, एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको पहले एज आपको देखना होगा, और कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 44 ईयर ऑफ एज एंड लास्ट डेट ऑफ
रिसीविंग एप्लीकेशन है यहाँ पे 15 ईयर ऑफ एज, और यहाँ पे कॉम्प्लीट आपको 65 64। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो रूल है यहाँ पे जो रिलैक्सेबल अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल होता है 05 ईयर इन केस ऑफ एस सी एस टी और 3 ईयर ओबीसी के लिए। और भी हैं बहुत सारे जो गवर्नमेंट का PWDS एंड जो जो होता है वो भी यहाँ पे मिलेंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10 पास होना जरूरी है। यहाँ पे कैंडिडेट मास्ट है पास 10 क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड एवरेज फ्रॉम ए रिकॉर्गनाइज बोर्ड एंड ऑल्सो शुड पास द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफिकेशन ट्रेड इशू बाई NCVT SCVT। हाउ एवर फॉर द फॉलोइंग ट्रेड the minimum educational qualification in is 8 class pass from recognized school and the national trade certificate in the notified trade issued by NCVT SCVT। so yahan pe welder gas and electric steel metal worker lineman wireman carpenter pin painter yahan pe general। so candidates should have already been in position of the prescribed qualify on the date of issue of notification। यहाँ पे medical fitness यहाँ पे चाहिए, तो medical fitness यहाँ पे जो होगा वो सारी यहाँ पे आपको देख सकते हैं। और यहाँ पे रिजर्वेशन में क्या बात किया है, सारे यहाँ पे रिजर्वेशन जो होता है गवर्नमेंट का जो कैटेगोराइज वो भी यहाँ पे आपको एप्लीकेबल होगी। और यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे आपको सिलेक्शन होगी, यहाँ पे सारे सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट प्रिपेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु अप्लाई इन द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो MS सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट होगी, जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन था उनका उनको ऊपर बेस करके यहाँ पे होगी। और यहाँ पे फॉर द ट्रेड ऑफ ट्रेड फॉर विच ओनली क्लास 10 पास इन मिनिमम क्वालिफिकेशन ए सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी डाउन ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल ट्रैकिंग द एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट एंड बोथ मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50% एवरेज एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क द कैंडिडेट हैविंग ओल्डर एज शैल बी प्रेफर्ड। तो यहाँ पे जो आपको जो एजुकेशनल और आपको जो डिग्री है उसी के बेस में यहाँ पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे एक ही सेम नंबर दो कैंडिडेट यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे जो जिसका एज या उम्र सबसे ज़्यादा उसी को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा सारे। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज़ ओनली नो ओनली 100 रुपीज़ ओनली नो फी। हाउएवर इट पेड बाई दी ST/ST/PWD और वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई नो फी यहाँ पे दिया गया सारे। और यहाँ पे पेमेंट गेटवे के द्वारा आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग या UPI सारी यहाँ पे कर सकते। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना होगा, यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcer.com यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.com डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, और जो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सारे डिटेल्स होम पेज में आने के बाद आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। और यहाँ पे सारे आपको PDF फॉर्मेट विद स्पेसिफिक फाइल एज एट मेंशन इन दी कैप एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको जो तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे www.rrcer.com यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट के जो फॉर्म फिलअप होंगे
और फ्रॉम के साथ साथ आइटम टू बी अपलोडेड, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगी। फिर पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर गुड क्वालिटी एंड कॉन्ट्रास्ट कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड। यहाँ पे 3 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए, आपको नया फोटो यहाँ पे जो करेंट फोटो आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे JPG, यहाँ पे स्कैन कॉपी आपको JPG या JPG या JPEG फॉर्मेट में होगी। और यहाँ पे दिया गया और भी यहाँ पे स्पेसिफिक फाइल साइज एज मेंशन एज द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो स्पेसिफिक फाइल है आपको KB क्या है, साइज वगैरह, पिक्सल वगैरह सारी जो फॉर्म में आपको वहाँ पे शो होगी। द फोटोग्राफ शुड बी क्लियर, को क्लियर होना चाहिए विदाउट क्रॉप और सनग्लास, एंड क्रॉप नहीं होना चाहिए और सनग्लास आपको नहीं, सनग्लास एंड शुड हैव डिफाइंड एज। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो कीप 10 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर फर्दर पर्पज। आपको सेम जो कैंडिडेट जो यहाँ पे जो फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे उसी को 10 कॉपी आपको रखना है, जो आपको जो जो एग्जाम और नोटिस सिलेक्ट आने के बाद आपको सेम फोटोग्राफ को बाद में आपको फिजिकल कॉपी देना होगा। स्कैन एंड सिग्नेचर एंड LTI यहाँ पे, तो यहाँ पे जो थंबनेल आपको ये भी स्पेसिफिक फिंगर और स्पेसिफिक आपको साइज में आपको अपलोड करना होगा, तो साइज वगैरह सारे फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म में आपको शो होगी। और यहाँ पे स्टैंडर्ड इज 8 और 10 मार्कशीट, यहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पे आपको स्पेसिफिक फाइल PDF फॉर्मेट और स्पेसिफिक फाइल में आपको अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ एज, आपको प्रूफ एज प्रूफ करने के लिए ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम HCVT SCVT PDF फॉर्मेट विथ स्पेसिफिक फोल्डर में आपको अपलोड करना होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS के लिए PDF फॉर्मेट विथ स्पेसिफिक फोल्डर में आपको अपलोड करना होगी। या फिर PWBD कैंडिडेट इम्प्रूव एज एप्लीकेबल यहाँ पे। और यहाँ पे द फॉर्मेट ऑफ द कम्युनिटी कैंडिडेट EWS कैंडिडेट एंड PWBD सर्टिफिकेट शैल बी एज पर द फॉर्मेट अपलोड इन द वेबसाइट। और यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ द फोटोग्राफ, साइन LTI एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारे, और यहाँ पे हेल्प डेस्क में आपको जो हेल्प यहाँ पे जो फॉर एनी प्रॉब्लम इन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन और प्रिंटिंग ऑफ द एप्लीकेशन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो टू हेल्प मी ऑप्शन है, आपको हेल्प मी कॉलम में आपको जाना होगा। मेंशन द टॉप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अकॉर्डिंग सेक हेल्प में यहाँ पे तो आप हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया सारे आप जरूर यहाँ पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और बहुत सारे और सबसे ज़्यादा जानकारी नहीं कहने के लिए आपको www.rrcpr.com आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेंगे। इनवैलिड एप्लीकेशन आपको सिग्नेचर यहाँ पे ब्लैक और कैपिटल लेटर थंब एड्रेस और भी यहाँ पे जो इनवैलिड एप्लीकेशन हो सकते हैं सारे यहाँ पे दिया गया, आपको सिग्नेचर इन ब्लैक कैपिटल लेटर लेफ्ट आर्म इम्प्रेस सिग्नेचर नॉट अप्रोक्स ऑन द एप्लीकेशन एंड प्रिस्क्राइब प्लेस और नो अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ। आपको सिग्नेचर ब्लैक और क्या ब्लॉक एंड कैपिटल लेटर करेंगे तो वो भी आपकी इनवैलिड एप्लीकेशन होगी। आपको लेफ्ट आर्म इम्प्रेशन आपको अपलोड नहीं होगी तो आपको वो भी ब्लॉक। आपको फोटोग्राफ ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया वो भी आपके इनवैलिड हो सकते हैं। तो अच्छा से आपको जो ये पे पढ़ सकते हैं और सारे डिटेल्स आपको सारे डिटेल्स
जानने के बाद आप जरूर अप्लाई कीजिए।